यूपी के हापुड़ के मोहल्ला भ्रमनान में दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हो गया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़कर पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। इलाके में पथराव से जुड़ी हुई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गए जिसमें एक समुदाय के लोग भारी संख्या में इकट्ठे होकर हाथों में लाठी डंडे लेकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। इस मामले पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है। हापुड़ पुलिस ने उपद्रव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं और इन पर 10,000 रुपए का इनाम भी है। पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि उपद्रवियों का पता बताने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस ने पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हुई पत्थरबाजी। हाथों में ईंट पत्थर लेकर दो समुदाय आमने सामने और इन पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए। ये वही वांटेड पत्थरबाज हैं। यूपी के हापुड़ की यह घटना है। दो समुदायों में पथराव हुआ है। ये देखिए 3 तस्वीरें। हापुड़ की घटना जहां दो समुदायों में पत्थरबाजी हो गई है। मोहल्ला भ्रमनान का यह मामला है। अभी तक 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो बाकी बचे आरोपी हैं इनके पोस्टर लगा दिए गए हैं। इनकी तलाश हो रही है। इन पर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है। इस पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए और इस पथराव से जुड़े हुए सीसीटीवी भी सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर बाकी बचे आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। 10 आरोपी अब तक गिरफ्तार। 4 मुख्य आरोपी अब भी फरार। पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। इन पर इनाम रख दिया गया है। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। ये वो तस्वीरें हैं हापुड़ में हुई पत्थरबाजी की तस्वीरें जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। 10 आरोपी गिरफ्तार हो गए लेकिन जो 4 मुख्य आरोपी हैं वो अब भी फरार हैं। उनके पोस्टर जारी हो गए। इनाम रख दिया गया। तो ये घटना क्या है जरा एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। यूपी के हापुड़ की घटना है। भ्रमनान मोहल्ला है जहां पर पत्थरबाजी हुई है। दूसरे समुदाय के युवकों ने यहां पर काफी उपद्रव किया। यूपी पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। अब तक 10 आरोपी इस पत्थरबाजी में जो शामिल थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं लेकिन जो 4 मुख्य आरोपी थे वो फरार हैं। इन पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। 10 नामजद सहित 40 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। पत्थरबाजी के कई सीसीटीवी सामने आए हैं जिसके आधार पर उपद्रवियों की पहचान हुई है जिनमें से कुछ अब भी फरार। ये वो सीसीटीवी है। मयूर शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। मयूर, किस तरह से ये पत्थरबाजी शुरू हुई, वजह क्या थी और ये इतनी बड़ी घटना में कैसे तब्दील हो गई? ना बिल्कुल, देखिए शनिवार का ये पूरा मामला है जब चारे की गाड़ी जो है ब्रह्मनान मोहल्ले में खड़ी हुई, दो पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने दोनों को विवाद को शांत कराया लेकिन उस दिन तो मामला शांत हो गया लेकिन रविवार को दूसरे दिन नमाज पढ़ने के बाद लगभग 40 उपद्रवी उसी मोहल्ले में पहुंचते हैं और जिस घर से विवाद हुआ था वहां पर जाके वो पत्थरबाजी करने लगते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, लगभग 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, 10 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जो 4 मुख्य आरोपी हैं जिनके ऊपर 10,000 का इनाम भी रखा गया है यानी कि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी और 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा जो उनका नाम बताया गया। लेकिन यहां बड़े सवाल यह है कि जिनका नाम दर्ज किया गया है वो हापुड़ जिले के आसपास के इलाके के नहीं है, वो दूसरे जिलों के भी लोग हैं और क्या वो एक्सपर्ट थे? बड़ा सवाल यह है कि पत्थरबाजी लगातार इतनी भारी संख्या में करना, तो क्या वो पत्थरबाज कहीं से बुलाए गए थे? क्या वो एक्सपर्ट थे? दूसरे जिले से लोग क्या आए थे? तो क्या ये पूरी प्लानिंग है, कोई बड़ा नेक्सस है इसके पीछे कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम पत्थरबाजी
बच्चों को बुला के आपके घर पे पत्थर चलवा देंगे। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। हालांकि योगी सरकार की जो पुलिस है वो अब एक्शन में है, लगातार धरपकड़ की जा रही है, 10 को जेल भेज दिया गया है और 4 जो मुख्य आरोपी है उनकी भी धरपकड़ तेजी से की जाएगी। 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नो डाउट अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो जो बुलडोजर एक्शन लगातार हम देख रहे हैं उपद्रवियों के ऊपर चल रहा है, तो बुलडोजर एक्शन भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो ये एक छोटी सा विवाद था, एक चारे की गाड़ी खड़ी थी जिसको लेकर विवाद होता है। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद लगभग 40 लोग आते हैं और सिर्फ रोड से ही पत्थरबाजी नहीं होती है, दूसरे जो छत है आसपास के मोहल्ले से वहां से भी पत्थरबाजी की जाती है। 3 महिलाएं उसमें घायल होती हैं और महिलाओं का ये बयान है जिसको लेकर FIR भी दर्ज की गई है। उनका कहना है कि लगभग 4 से 5 लोगों ने उनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप भी किया, यानी कि जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, घरों में वो लोग घुस गए, पत्थरबाजी की और इसी की FIR भी, अटेम्प्ट टू रेप की FIR भी पुलिस ने दर्ज कर ली है। तो बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हापुड़ में हो जाती है, घर के ऊपर 40 से 50 उपद्रवी हमला कर देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, घर में घुस जाते हैं, अटेम्प्ट टू रेप करते हैं और फिलहाल अभी वो फरार हैं। 4 जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं, 10,000 रुपए का उनके ऊपर इनाम है और जल्द सफलता हासिल होगी पुलिस को, क्योंकि लगातार एक्शन में है, धरपकड़ की जा रही है, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है इसको लेकर कि इस तरीके की घटनाएं जो है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार चल रही है। जो भी कानून व्यवस्था है जिसकी कसीदे पूरे देश में पढ़ी जाती है, उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर नीति है इसको लेकर विदेशों तक तारीफ हो रही है। तो नो डाउट इस मामले में भी अगर ये लोग पकड़ में नहीं आते हैं, भागे भागे फिरते हैं, तो इनके ऊपर भी बुलडोजर एक्शन आगे देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कितने आरोपी थे और कितने पकड़ में आ चुके हैं अब तक? हाँ विशाल, देखिए लगभग 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें से 10 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, 10 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, 4 जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 40 की संख्या बताई जा रही है, जो जिनके घर पे पत्थरबाजी हुई है उनके तरफ से संख्या 40 बताई गई है। तो 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अभी और लोगों की पकड़ जारी है और CCTV जो फुटेज सामने आए हैं उसके आधार पर सभी को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही सब सलाखों के पीछे होंगे। विशाल, शुक्रिया मयूर इस जानकारी के लिए। तो ये वो वांटेड पत्थरबाज हैं जिन पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है, जिनमें सरफराज भी एक शख्स है जो आरोपी है पत्थरबाजी का, सुअली नाम का एक शख्स है, इस पर भी 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। Z News।